और इसीलिए हम कहते हैं कि देश तरीके से चले, और तरीका यह है कि आप घुसपैठियों की पहचान के नाम पर देश के नागरिकों को परेशान नहीं कर सकते हैं। अगर किसी गांव में चोरी हुई है तो पूरे गांव को हरम हवालात में बंद नहीं किया जा सकता है। क्या दुर्गा जी, पूरे गांव को थोड़ी हवालात में बंद कर देंगे, नहीं किया जा सकता है। आप अगर गांव में भेड़िया घुस गया है तो पूरी बस्ती में आग नहीं लगा सकते हैं। इसीलिए हम लोग एनपीआर एनआरसी और सीए का विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बिहार मांगे रोजगार, नहीं चाहिए एनपीआर के नारा हम लगा रहे हैं। और एनपीआर पे हम जोर इसलिए दे रहे हैं कि न रहेगा बांस न बजेगा घोष, न रहेगा एनपीआर का बांस न बजेगा सीए का। इसीलिए आप तमाम लोगों से जो मोहब्बत हमको यहाँ मिली है, जो ताकत और हिम्मत हमको मिली है, उस आधार पे हम बिहार की सरकार से ये कहना चाहते हैं कि यह सरकार, आप बिहार विधानसभा में एनपीआर एनआरसी और सीए के खिलाफ रेजोल्यूशन पास कीजिए, यह हमारी मांग है। और इसी मांग को नजदीक से सुनाने के लिए, इसी मांग को अपनी ताकत और एकजुटता से बताने के लिए आने वाली 27 फरवरी को जब ये जनगणमन यात्रा पटना के गांधी मैदान में पहुंचेगा तो ये देश बचाओ नागरिकता बचाओ महारैली के रूप में परिवर्तित होने वाला है। बोलिए, आप सब लोग इस लड़ाई में हमारे साथ हैं कि नहीं है? सब लोग गांधी मैदान आएंगे, 27 को आएंगे। अगर आप सब लोग आएंगे तो हम आपको भी ये वादा करना चाहते हैं। तरीपाल कहता है कि एक इंच पीछे नहीं हटेगा, एक इंच तो क्या पूरी जमीन वापस।